गुजरात की तरह हिमाचल प्रदेश सरकार भी चेस खेल को पाठ्यक्रमों में शामिल करने जा रही है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने इसका सिलेबस भी तैयार कर लिया है। शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आयोजित खेल राज्य स्तरीय गर्ल्स चेस प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि चेस दिमाग की कसरत वाला खेल है, जिसे इससे पहले गुजरात सरकार ने छात्रों के पाठ्यक्रम में शामिल किया था। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने मैनिफेस्टो में चेस खेल को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कही थी। सरकार ने इसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है और आचार संहिता खत्म होने के बाद इसको शुरू करने का विचार कर रही है। चलिए देखते हैं इस पर शिक्षा मंत्री भारद्वाज व चेस स्टेट सचिव विदुषी शर्मा ने क्या कहा। चेस वास्तव में जो है वो दिमाग की कसरत वाला जो है वो गेम है, जिसे गुजरात में स्टूडेंट्स के सिलेबस में भी इंक्लूड किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें हमारे विजन डॉक्यूमेंट में भी चेस को रखा गया है और हमने इसका सिलेबस इत्यादि तैयार कर दिया है। अब ये किस रूप में जो है वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड होगा, उस पर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होने के बाद जो है हम चर्चा करेंगे और हम चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में चेस को जो है वो रखा जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, अभी आप लोगों ने ही समाचार दिया था कि अंग्रेज़ी और गणित दो ऐसे विषय हैं पर्टिकुलरली सरकारी स्कूलों में, जिससे बच्चे जो हैं वो डरते हैं और भागते हैं, उसमें रुचि लें और उसके कारण जो है वो दिमाग जो है वो एक बेहतरीन दिशा में बढ़ने की योग्य बन सके, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और उसके लिए हम चेस को जो है वो ज़्यादा बड़े स्तर पर जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उसमें चेस के जो ये इनकी एसोसिएशन है वो प्रयास कर रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत बेहतरीन काम जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे आज टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं अंडर 15 ओपन गर्ल्स के लिए एंड ओपन भी हैं, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के भी किए जा रहे हैं। यहाँ का जो टूर्नामेंट है एक प्लेटफॉर्म है लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए, जो ड्रग्स से हटके अपना यहाँ पे एक कंसंट्रेशन ऑफ माइंड बनाते हैं और टूर्नामेंट्स जीतते हैं। हमारा जो स्टेट है, इट इज़ द फर्स्ट एसोसिएशन जो वर्ल्ड में लेडीज़ की एसोसिएशन बनी है पूरी टीम, और एक सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारी खाली है जो जल्दी ही फिल होने वाली है 19 जून को हमारी जो एसोसिएशन बनी थी उसमें पूरी ए टू जेड लेडीज़ हैं, और एक हमने इसमें थर्ड जेंडर एज ए वाइस प्रेसिडेंट लिए हैं। यहाँ पे हमारे इलेक्शन हुए थे 19 मार्च को और इसमें हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है इस चीज़ के लिए। और इस हमारे इन टूर्नामेंट्स में हमारी इस एसोसिएशन को सरकार का भी बहुत अच्छा सहयोग है और हम लोग सब मिलकर चाहते हैं कि इस एसोसिएशन को हम आगे और बढ़ाएं। ये अभी स्टेट की है, विद इन हिमाचल हो रही है। इसमें जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से अपने क्लैरिफाई करके आते हैं उनको स्टेट में नाम भेजा जाता है और उनके अंडर 15 के जो एज लोग हैं वो यहाँ पर आज टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। प्रकाश के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।